नमस्कार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भरूच में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश में सिंचाई के विकास के साथ मृदा में लवणता की समस्या बढ़ती जा रही है। देश में कुल 6.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि लवणग्रस्त है, जिसका 2.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल गुजरात में है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र जल का प्रवेश तथा उनसे होने वाले प्रभावों के कारण मृदा में उच्च लवणता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए कृषि की नई तकनीक प्रबंधन का विकास एवं प्रसार आवश्यक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की स्थापना 1989 में गुजरात के आनंद जिले में हुई थी। विशेषज्ञों की सलाह पर 2003 में यह केंद्र भरूच जिले में स्थानांतरित किया गया। यह संस्थान केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, जो कि लवणग्रस्त काली मृदाओं के प्रबंधन एवं सुधार के साथ साथ निम्न गुणवत्ता वाले जल का कृषि में प्रयोग जैसे विषयों पर कार्य कर रहा है। इस केंद्र की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लवणीय काली मृदा में सुधार और प्रबंधन करना है। इस केंद्र पर मूलभूत एवं अनुपयुक्त अनुसंधान चल रहे हैं। केंद्र ने अभी तक विविध तकनीकी विकसित की है, जिससे कि लवणीय काली मृदा में अधिकाधिक उत्पादन हो सकता है। इस केंद्र ने 12 ट्रैक और भाल क्षेत्र का मृदा सर्वेक्षण करके डाटाबेस भी तैयार किया है। सालवाडोरा और डील की खेती पद्धति विकसित की है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल बनाया गया है, जो कि सीमांत खेडूतों के लिए काफ़ी उपयुक्त साबित हो सकता है। भूगर्भ जल का रिचार्ज करने की तकनीक भी विकसित की गई है। इस केंद्र पर कपास, गेहूं और मक्का की लवण सहनशील प्रजातियों का भी चयन किया जा रहा है। हमारे संस्थान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: लवण प्रभावित काली एवं संबंधित मृदाओं की पहचान, भौगोलिक विस्तार एवं प्रबंधन को निश्चित करना, निम्न गुणवत्ता वाले जल एवं औद्योगिक अवशिष्टों का फसल उत्पादन तथा मृदा के सुधार का मूल्यांकन करना, लवण सहनशील फसलों तथा प्रजातियों का लवणग्रस्त क्षेत्रों में अधिक उत्पादन हेतु चयन करना, भू जल संग्रहण एवं वर्षा जल संग्रहण और इसका कुशल उपयोग। इस केंद्र पर 2 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें मृदा, जल एवं पौधों पर अनुसंधान किया जाता है। एक मृदा संग्रहालय भी है, जिसमें विभिन्न मृदा के नमूनों को एकत्रित किया गया है। यहाँ पर पुस्तकालय भी है, जिसमें 614 किताबें,
34 जर्नल्स एवं 3 भाषाओं में दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध है। म्यूजियम में चित्रों के माध्यम से तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है। कंप्यूटर सेंटर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इस केंद्र पर ग्रीन हाउस, रेन शेल्टर, माइक्रो प्लॉट, लाइसीमीटर, कंपोस्ट पिट की सुविधा उपलब्ध है। हमारे केंद्र का प्रायोगिक फार्म भरूच से 30 किलोमीटर दूर आमोद तालुका के समनी में स्थित है, जो कि 23.5 हेक्टर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर लवणीय क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न प्रायोगिक अनुसंधान किए जाते हैं। कपास तथा गेहूं में लवण सहनशीलता के लिए उन्नत किस्मों का विकास तथा परीक्षण किया जा रहा है। गुजरात की काली लवणीय मृदाओं में अमरूद की छंटाई के साथ चारा फसलों का इंटरक्रॉपिंग पर संशोधन का कार्य चल रहा है। फार्म पर समन्वित खेती प्रबंधन के अंतर्गत तालाब के चारों ओर नीलगिरी, करंज, जामुन, आम, चीकू एवं अमरूद के पेड़ लगाए गए हैं। आइए नज़र डालते हैं इस केंद्र की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। सलवाडोरा पर्सिका एवं लवण सहनशील चारा फसलों का लवणग्रस्त मृदा में अवलोकन करके इसकी सिफारिश की गई है। लवणग्रस्त काली मृदा में अपरंपरागत फसल जैसे डिल की खेती की उन्नत तकनीक विकसित की गई है। छोटे एवं मध्यम किसानों के लिए समन्वित फसल प्रबंधन की सिफारिश की गई है। केंद्र द्वारा भूजल सुधार के लिए भूजल रिचार्ज की तकनीक विकसित करके किसानों को प्रदान की गई है, जिसके लिए भारत सरकार से संस्थान को ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन अवार्ड भी मिला है। जलाक्रांत लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए संस्थान द्वारा भूमिगत जल निकास तंत्र विकसित किया गया है। इस केंद्र द्वारा गेहूँ, कपास एवं मक्का की लवण सहनशील प्रजातियों के चयन हेतु अनुसंधान चल रहा है तथा संस्थान द्वारा विकसित गेहूँ की लवण सहनशील प्रजातियाँ KRL 210, KRL 19 तथा कपास की GCOT 23 के निदर्शन 12 ट्रैक्ट में किए जा रहे हैं। किसानों को संस्थान की तकनीकों के बारे में अवगत तथा विस्तार करने हेतु किसान दिवस, प्रदर्शन, किसान गोष्ठी इत्यादि कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। यह केंद्र कृषि के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थानों जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, गैर सरकारी संगठनों, कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य के कृषि विभाग इत्यादि के साथ मिलकर किसानों के लिए काम कर रहा है। मृदा एवं जल की लवणता कृषि के लिए बहुत बड़ी बाधा है, परंतु नई विकसित तकनीकों के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमारा संस्थान किसानों एवं देश के हित के लिए निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।